आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में स्थित भारतीय रेल की उत्पादन इकाई BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जहां तैयार किए जा रहे इंजनों से अपने देश समेत दुनिया के कई देशों की ट्रेनें चल रही हैं और ये कारखाना नित नए कीर्तिमान रच रहा है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की आधारशिला 23 अप्रैल 1956 को प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी ने रखी थी। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने भारतीय रेल के लिए अब तक 8,298 डीजल और 1,050 इलेक्ट्रिक रेल इंजनों का निर्माण किया है। इस कारखाने के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और कुशलता के कारण कई देशों से इंजन बनाने के ऑर्डर मिल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने पिछले 5 साल में कुल 171 डीजल रेल इंजन तैयार कर 11 देशों को निर्यात किए हैं, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, तंजानिया, वियतनाम, म्यांमार, सूडान, सेनेगल, अंगोला, माली और मोजाम्बिक देश शामिल हैं। इस रेल खाने ने हाल ही में मोजाम्बिक को 3000 HP केप गेज के 6 रेल इंजनों का निर्यात किया है। मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो हम लोग साकार कर रहे हैं। हमारी इलेक्ट्रिक लोको पूरी इंडियन है। दूसरा, हम लोग विदेश के लिए भी निर्यात करते हैं, तो मेक इन इंडिया का जो दूसरा पहलू है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, वो हम पूरा कर रहे हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स को भारतीय रेल की रेल कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 50,000 युवाओं को 3 वर्ष की अवधि में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वो रोजगार के बेहतर अवसर पाने में सक्षम बन सकेंगे। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स।